चलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज हम बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में सुरगांव हैंडलगांव एमडी पाटिल सर है, जो बैंक से रिटायर है, एक्सिस बैंक से रिटायर है और इनके फार्म को सेटअप करने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। और इनका अभी तत्काल 5 टैंक जो है 100x100 का लगभग जो है सो बन रहा है, और इसमें हम मिट्टी को खोद करके ये टैंक का साइज आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, दिखे टैंक का साइज देखिए, ये 100 फीट लंबा है और 100 ही फीट चौड़ा है। इधर पूरा घुमा के दिखाइए, इधर 100x100 ये 100x100 है। और इसमें अभी स्लोप बनाना बाकी है, इसका 2.5 फीट स्लोप, 2 फीट 2.5 फीट वहाँ से यहाँ तक में 2.5 फीट स्लोप और आउटलेट लगाना बाकी है। बारिश की वजह से काम थोड़ा बाधित हुआ, नहीं तो ये हो गया रहता। इसमें हम तारपोलिंग लगाएंगे और तारपोलिंग लगा करके एक टैंक हमारा जो है कम से, ये मास्टर टैंक है, ये 15 लाख लीटर से ऊपर पानी इसमें अटेगा, 15 लाख लीटर पानी इसमें अटेगा। और भी जो भी टैंक बना रहे हैं सब बड़ा बना रहे हैं, छोटा टैंक कोई भी नहीं बना रहे। अभी इसमें जो है काम थोड़ा सा बाकी है, एक हफ्ता के अंदर जो है इसको हम पूरा करेंगे। और यहाँ ये गोवा का पहला सेटअप है हमारा, कर्नाटक पड़ता है ना, हाँ गोवा का पहला मेरा सेटअप है। और यहाँ जितने भी लोग हैं अगर वो इस फिश फार्मिंग में रुचि रखते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो सर हैं हमारे एमडी पाटिल जी, इनका नंबर स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, स्क्रीन से आप इनसे कांटेक्ट करके आप यहाँ पर जो है फार्म सेटअप कर सकते हैं। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि कितना इसमें मतलब खुशी है, यहाँ आए हैं हम बनाए हैं, इससे कितना आपको लग रहा है कि हम सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे या क्या है, कुछ दिल में अगर दुविधा है तो भी आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं। राजीव जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत दिन की हमारी इच्छा थी कि सालों से हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ इस ज़मीन पे हम करें। जी जी, क्योंकि 35 साल से मैंने देखा इस ज़मीन में हमने ऐसा खास कुछ इनकम नहीं लिया। जी, तो 35 साल नौकरी करने के बाद बैंक में हमको लगा कि भैया अभी अपना कुछ बिजनेस होना चाहिए। तो बायोफ्लॉक फार्मिंग का काफ़ी वीडियोज़ हमने यूट्यूब पर देखा, बहुत लोगों से डिस्कशन किया और गूगल पे कहीं जाके आपका नंबर मिला, तब मैंने आपसे बात की। हमारा नंबर वो एनएफडीबी के साइट पे मिला, तब खुशी हो गई कि आपने बोला कि मैं विजिट करूंगा और देखूंगा, और बहुत अच्छा लगा कि 4-5 दिन 6 दिन आप यहाँ रुके जी। और आपके निगरानी में ही 5 टैंक हमारे रेडी हो गए हैं, और हो सकता है कि अगले हफ्ते या 10 दिन में ये पूरा सिस्टम लाइव हो जाएगा, सिस्टम अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसमें बीज डालेंगे 4-5 तरह का अलग अलग का, और आपकी निगरानी में ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जी सर, मेरा कहने का मतलब है कि यही अगर 15 लाख लीटर का टैंक अगर हम बनाते, 1-1 लाख लीटर यानी 10 डायमीटर का अगर टैंक बनाते आप, तो आपका एक टैंक पे 1 लाख रुपया खर्चा होता। 15 टैंक अगर लगाते हैं तो 33x33 यानी ज़मीन का बर्बादी, जितना 100x100 में आपका 15 टैंक एडजस्ट ही नहीं होता। अगर 10,000 लीटर का टैंक बनाते तो कम से कम 150 टैंक बनाते, तब 15 लाख लीटर आपका पूरा होता। और 150 टैंक बनाने के लिए आपको एक टैंक पे अगर 25,000-30,000 हैं तो 150 को 30 से गुना कर लीजिए, कितना रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा आपका इनिशियली कॉस्ट, यानी कि जो फर्स्ट हमारा ये बड़ा टैंक है इसमें 2.5 लाख रुपया में ये तैयार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन अगर वही टैंक में जाते सरिया गिट्टी बालू तरपोलिंग प्लस इरिगेशन सिस्टम और उसको पूरा मैनेज करते, तो एक टैंक पे 1 लाख रुपया आपका खर्च होता। जो ये 15 लाख लीटर का हम टैंक बनाए हैं, 15 लाख का एक टैंक बनाए हैं, उसमें हमारा 2.5 लाख खर्चा हो रहा है। और वही टैंक जो है हम अगर मान लीजिए कि टैंक में बनाते तो 15 लाख हो जाता, तो आप सोचिए जो कि 15 लाख का चीज़ को हम 2.5 लाख में कन्वर्ट कर देते, और उसमें जितना इसमें मछली सर्वाइव करेगा उतना टैंक में कभी जीवन में सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या आए हैं, तो अपना टैंक का कैपेसिटी कम से कम नहीं भी है तो 1 लाख से तो नीचे रखना ही नहीं चाहिए। छोटा टैंक 50,000-1 लाख शुरुआत 50,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से कम टैंक नहीं बनाना है, उसमें आपको घाटा हो जाएगा, परेशानी ज़्यादा हो जाएगा और इनकम कम हो जाएगा।
अभी एक टैंक से हम इसमें देखिए जो कि कितना बड़ा स्पेस है, हम यहाँ इतना आदमी खड़ा है, इधर सभी आदमी घुमाए दिखाए, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा स्पेसियस हो जाता है। चारों तरफ जो है 10,000 स्क्वायर फीट ये पूरा 10 घंटा के बराबर आता है। हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट में बना रहे हैं। तो आगे हम अभी पाइपलाइन का काम और भी टैंक, मतलब 3 टैंक बन गया और 2 टैंक एस्टेब्लिश्ड है, पाइपलाइन का काम हो गया है, बस खाली बनाना है। तो हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, भाई साहब है ये भी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनकी भी इच्छा थी बहुत दिनों की, भैया हमारा कुछ नया सेटअप हो बच्चों के। यहाँ पर आगे और भी बहुत बड़ा जगह है जिसमें ये अगर अच्छा से निकल जाएगा एक क्रॉप, तो उसके बाद वो सारा जगह पे लगभग 30-40 टैंक इसी टाइप का बनेगा यहाँ पर। और आगे जो है सो हम अगले महीने में इसमें नेक्स्ट मंथ में सीड स्टॉक कोशिश करेंगे कि कर दे इसमें, जितना जल्दी हो सकेगा इसको सीड स्टॉक करेंगे और फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे। यह है रिसाइकल मोड, रिसाइकल यानी कि बिना मशीन का हम अपने दिमाग से इसको पानी को घुमा रहे हैं और उसको घुमा करके पानी को फिल्टर भी कर रहे हैं, उसमें कोई मशीन का यूज नहीं कर रहे, फिल्टर करने में भी कोई मशीन का यूज नहीं कर रहे और पानी भी फिल्टर हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये पानी, ये मास्टर टैंक है हमारा, मास्टर टैंक से वो एक नंबर में जाएगा, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, फिर वो सब पानी इधर आएगा घूम के, पूरा उधर से घूम के 4 नंबर से ही 5वां नंबर में आएगा। तो इस तरह से बनाए, हम थोड़ा सा आप लोग को पाइप लाइन का काम दिखाना चाहते हैं। चलिए, ये पाइप जो है उस टैंक का है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आउटलेट लग जाएगा इसका, और ये 3 टैंक का आ गया है, चौथा का एक वो वहाँ पे छोड़ा हुआ है, वो भी यहाँ आ जाएगा, बारिश की वजह से ये रुक गया है। और ये यहाँ से 3 नंबर से यहाँ पे एक टैंक बनाएंगे, ये फिल्टर प्लांट 5x5 का रहेगा, दूसरा एक 5x5 का उस साइड रहेगा और तीसरा 5x5 का इधर रहेगा, जो इससे हम फिल्टर करके, यानी कि जो कचरा होता है पानी में वो नीचे बैठता है और जो ऊपर का पानी है उसमें हम जाल लगा करके उसको बिल्कुल शुद्ध कर देंगे और यहाँ से जो पानी जाएगा वो शुद्ध होकर फिर से इस टैंक में गिरेगा और इसका जो आउटलेट यहाँ आएगा, यहाँ पर नीचे से आएगा और इसी में से हम पानी नीचे से लेके इसमें डालेंगे ताकि उसका भी कचरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी ये टैंक देखिए यहाँ पे, ये टैंक देख लीजिए, ये भी टैंक जो है सो बना है, इसका आउटलेट का काम पाइप रखा हुआ है, बस पानी के वजह से नहीं हो पाया, कल जेसीबी भी ठीक नहीं चला, इस वजह से रुक गया मेरा काम। ये भी आउटलेट जो है उसी में पाइप जोड़ा हुआ है, उसी में जोड़ेंगे। ये भी टैंक देख लीजिए किस टाइप का बन गया है, 65x100 है। ये 65x100 है, अभी यहाँ शुरुआत है, फिर स्टॉक करेंगे हम लोग, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर सीड स्टॉक भी करेंगे। और आगे भी जो है ये पाइपलाइन का काम दिखा दीजिए, इनको ये पाइपलाइन है, ये आउटलेट आएगा यहाँ से, उस टैंक से जो आएगा वो हम मोटर से उसमें डालेंगे, उस टैंक का पानी जो आएगा यहाँ एक बांध बनेगा, यहाँ से ओवरफ्लो होके इसमें गिरेगा और वो है आउटलेट, यानी वो पानी उधर से नीचे से उधर जब खाली करना होगा तो पाइप को हम खोल देंगे, पानी उधर चला जाएगा, तो ये नीचे से पानी जाने के लिए भी बनाए। ठीक है, आइए आगे आइए। ये टैंक का साइज 100x100 है, वो देखिए वहाँ से जाएगा और वो लास्ट वहाँ पेड़ जो है, लास्ट वाला पेड़, उस पेड़, ये पेड़ सब कटेगा, ये आउटलेट का खाली काम हुआ है सेंटर में और जो बाकी का काम है वो कल या आज शाम को, थोड़ा सा अच्छा अगर समय रहा तो ये चीज़ से हो जाएगा। ये पूरा टैंक यहाँ से वहाँ तक 100 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा, देखिए पाइपलाइन का काम दिखाते हैं किस तरह से पाइपलाइन का काम, ये ऑटोमेटिक पानी जो है एक में डालेंगे, सारे टैंक में होते हुए फिल्टर प्लांट में जाएगा और फिल्टर प्लांट से फिर मास्टर टैंक में जाएगा, इस तरह का कम्युनिकेशन किए हैं हम। पाइपलाइन दिखाते हुए ये देखिए यहाँ से जो है आउटलेट, ये पाइप पूरा, ये बांध खाली आउटलेट काटे हैं, ये सब टूट जाएगा, ये लंबा चला जाएगा और ये टैंक जो है यहाँ से लेके इधर से दिखाइए, यहाँ से लेकर और उस साइड वहाँ तक 100 फीट से भी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 100 फीट हो जाएगा और
लंबाई भी 100 फीट हो जाएगा। तो वो पेड़ दिखाई, वहाँ पेड़ जो है पेड़ दिखाई, वो तार का पेड़ है, वो पेड़ के जड़ में बांध बनेगा। तो इतना लंबा ये टैंक बन रहा है, ये 20 लाख लीटर का टैंक बन जाएगा। 20 लाख, हाँ। ये पाइपलाइन का काम हुआ, यहाँ से आउट करेंगे पानी हम इस टैंक का। ये 100x50 का है, तो ये टैंक जो है हमारा, ये आउटलेट का काम यहाँ पर बन गया है, यहाँ से पानी खींचने का है और आने का इधर से इसमें बांध के ऊपर दिया। आगे ऊपर आइए, ये यहाँ से हम एल लगा करके उस टैंक का पानी नीचे से इस टैंक में गिराएंगे, आउटलेट का पानी जो है सो इधर गिरा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से पानी जो खींचेंगे वो फिर फिल्टर प्लांट में जाएगा और फिल्टर प्लांट से वहाँ जाएगा, मतलब मास्टर टैंक में चला जाएगा। तो जिन लोगों को टैंक बनवाना हो, खासकर महाराष्ट्र कर्नाटक और बॉर्डर, गोवा बॉर्डर के आसपास, जिनको भी कुछ इस एरिया में, वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी मास्टर हो गए हैं, अपना बनवाए हैं, तो ये यहाँ पर बनवा सकते हैं। इनको सारा नॉलेज मैं दे दिया हूँ और जो भी सपोर्ट होगा, टेक्निकल सपोर्ट, वो सब हम करेंगे। 6 महीना तक पूरा फार्म को देख रेख और उसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहेगा और साथ में सर भी देखेंगे। तो आप सर कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कि आपने हमको सहकार्य अभी तक किया है, कोऑपरेशन दिया है, तो हम सोचते हैं कि आगे 6 महीने या अगला साल तक जो भी हमको ज़रूरत पड़ेगी आप हमको जुड़ते रहेंगे और आपकी निगरानी में हम लोग यहाँ, हमारा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो लोग करना चाहेंगे उनको भी हम लोग हेल्प करके उनको भी उनका प्लांट इंस्टॉल करके दिलवा देंगे। एंड यू विल बी द मेन गाइड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, टेक्नोलॉजी बार बार हमको कुछ दिक्कत आए तो उनको समझाएंगे, तो इसी तरह हम हमारा आमदनी बढ़ाएंगे। ये सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी जो ये फार्म रहेगा वो मेरे अंदर में रहेगा और ये 6 महीना में, यानी एक कल्चर करके, 7 महीना 8 महीना जो भी लगे उसको एक कल्चर करके, उसके बाद मैं इनको इंडिपेंडेंट छोड़ सकता हूँ। इससे पहले जब तक ये कल्चर नहीं निकल जाता है तब तक मैं, हमारे देख रेख में रहेंगे, वीडियो कॉलिंग से, कॉल से, जैसे भी हो, जो भी टेक्निकल सपोर्ट होगा वो मैं करूँगा। इसमें हम 500 माइक्रोन तारपोलिंग डालेंगे और ये देखिए नाला है आउटलेट का पानी निकलने का, ये सब भराएगा, पाइप और वहाँ तक जोड़ेंगे हम और इसी तरह से पानी जो है रिसाइकल मूड करके बनाएंगे, तो आपको परेशानी थोड़ा कम होगा। क्या होता है कि लोग उसी पानी को बायोफ्लॉक में उसी पानी को चलाते रहते हैं, ऊपर से रिसाइकल नहीं होता, उसमें बहुत सारा परेशानी आ रहा है लोगों को। जो बायोफ्लॉक में भी फेल हो गए हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी आदमी पूंजी लगाए हैं, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख लगा करके और आज सिर पर हाथ रख के रो रहे हैं, उनको भी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वो थोड़ा सा खर्च होगा उसमें, उसको टैंक को ऊपर नीचे करके रिसाइकल मोड, एक फिल्टर प्लांट बनाना पड़ेगा। तो उसको घुमाएंगे पानी को, तो क्या होगा कि पानी टूटता भी रहेगा और ऑक्सीजन भी, उसका ऑक्सीजन लेवल 12-14-15 लगता है। इस तरह का सिस्टम करने से ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि हर समय पानी चलता रहता है और पानी चलने की वजह से हमारा एक मोटर ही लगता है वहाँ पर, 2 घंटा एक टैंक को पानी भर देंगे, वो 6 घंटा तक चलते रहता है। इतना मोटर का भी कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन बहुत कम होता है। इसलिए रिसाइकल मोड में बनाइए और इसको आरएस कहिए या मिनी आरएस कहिए, इसको मिनी आरएस के रूप में इसको हम तैयार कर रहे हैं, रिसर्कुलेशन एक्वा कल्चर। तो इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जिन लोगों को बनवाना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप नंबर पर कॉल कीजिए, मेरा भी नंबर उसमें साथ में है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, यहाँ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का, कौन कौन, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तीनों स्टेट का बॉर्डर है, हाँ तीनों स्टेट का बॉर्डर है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, हाँ एंड गोवा, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। गांव का नाम सर क्या है? सोरा, नियर हिंडलगांव, नियर हिंडलगांव, तालुका डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, बेलगांव तालुका बेलगांव पड़ता है। बेलगांव में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप फार्म भी विजिट कर सकते हैं, फार्म आकर के देखिए, आपको लगे कि नहीं ये अच्छा चीज़ है, बनवाना चाहिए, या जो फेल हो गए हैं इस क्षेत्र में कहीं भी हो, तो वो भी कॉन्टैक्ट करके इस फार्म, अपने फार्म को फिर से चला सकते हैं। उसके लिए मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूँ। इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।